जब भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया तो ग्रंथकार ने लिखा कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा तो ग्रंथकार लिखते हैं प्रज्ञ पाणिनाम पाणि प्रहसन इदम अब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ होता है सबसे पहला तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, बैठाया सम्मान से, पाणिम प्रहसन इदम अब्रवीत, और उसके बाद भगवान मुस्कुराए हंसते हुए। इसका श्लोक का अर्थ है हंसते हुए भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ के बैठाया। देखो भगवान एक बात सिखा रहे हैं। अच्छा भगवान हंसे क्यों होंगे ब्राह्मण को देख के, अकेले में एक ब्राह्मण को देख के क्या कोई हंसी आ रही है? लेकिन क्यों हंसे, क्योंकि भगवान को मालूम था विवाह का प्रस्ताव आ चुका है, अपन घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने दो संदेश दिए, एक तो ये कि मुस्कुराओ, विवाह के पूर्व जो लोग मुस्कुराने की तैयारी कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे उनको बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी, कईयों की तो पूरी समाप्त हो जाती बाद में, करना पड़ता मुस्कुराओ रे भैया मुस्कुराओ। तो भगवान कहते हैं मैं विवाह करने जा रहा हूं तो मुस्कुराते हुए जा रहा हूं, और दूसरा ब्राह्मण को हाथ पकड़ के बड़ा सम्मान से बैठाते हैं, और भगवान कहते हैं ससुराल से काला कौवा भी आए तो मीठी खीर खिलाया करो, जिसने ससुराल सेटिस्फाइड कर। भगवान की टेक्निक है, मुस्कुरा रहे हैं भगवान और हमको भी सिखा रहे हैं। क्या तैयारी की, उन्होंने कहा जाओ ब्राह्मण तुम्हारी राजकुमारी से कह दो उदास होना बंद करें, हमें हम आ गए और भगवान हमसे भी करें, गृहस्थी बसाना हो तो बोझ मत मानना, परमात्मा का प्रसाद होती है, इसके बिना गुजारा भी नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए लिखा मुस्कुराए भगवान पाणिम प्रहसन, प्रहसन मतलब मुस्कुराए, तो जरा मुस्कुराइए। अब भगवान की शादी में चलना है अपने। जब जब मैं भगवान के विवाह की बात करता हूं कथाओं में लोग नहीं मुस्कुराते, फिर मैं पूछता हूं क्यों, बोले पंडित जी दुर्घटना याद आ जाए तो हंसी चली जाती। अरे मुस्कुराइए, ये जो मुस्कान है ये पल में फूल खिला जाएगी, तन और मन दोनों का अंधेरियां मिटा देगी। आइए भगवान जो कह रहे हैं उसके साथ हम उनकी विवाह की तैयारी करें। पल में फूल खिला जाती जब होठों पर आ जाती है, मुरझाई सी लगने वाली जीवन बगिया खिल जाती है। मुस्कानों के बिना जमाने में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ, सब गाइए। मुस्कानों के बिना जमाने में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ, प्यार की है ये जुबान जमाने में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ, प्यार की है ये जुबान जमाने में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ, मुस्कानों के बिना जमाने में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ। देखिए देवियों सज्जनों, आपको मालूम है जब आप मुस्कुराते हैं तो जितने फायदे होते हैं उसमें से एक बड़ा फायदा यह होता है कि भगवान मुड़ के आपकी ओर चलने लगता है। भगवान को मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ तो फिर भगवान लंबी यात्रा पे चल रहे हैं, हमको उनके साथ चलना है, जरा मुस्कुराइए। ये जो आप स्कीम में कथा सुन रहे हैं ना, मुस्कुराने का गाना भी इतना सीरियसली गाते हैं आप, फिर वापस आप उसी उसमें आ गए मोड में। अरे जरा मुस्कुराते हुए गाइएगा, क्या बढ़िया बात लिखी, देखिए। मुड़ मुड़ देखे उसको भगवान जो मुस्कुराता है, जो मुस्कुराता है, ओ मुड़ मुड़ देखे उसको भगवान जो मुस्कुराता है,
तेरा जाता है। ओ जरा मुस्कुरा दे छोड़ उदासी, तेरा क्या जाता है, हाय तेरा क्या जाता है। जहाँ जहाँ जाओ मुस्कुराते जाओ, बदल जाएगी दुनिया जबान में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ। जहाँ जहाँ जाओ मुस्कुराते जाओ, बदल जाएगी दुनिया जमाने में गुजारा है कहाँ, कही ये जमाने में गुजारा है कहाँ। भगवान ने ब्राह्मण को तो विदा कर दिया और आवाज लगाई, उद्धव उद्धव दौड़ के आया, क्या बात है भैया, अच्छा तू कहता था ना पास का सिंहासन कब भरेगा, चल आज इसकी तैयारी करते। उद्धव तो उछल पड़ा, आनंद आ गया, भैया ये क्या कर रहे हैं, हाँ तैयारी, संदेश आ गया, चल बैठ। और दाऊ को बुला ले, उद्धव जैसे ही रथ पे बैठा, उद्धव तो सीधा साधा आदमी था, रथ पे बैठ के जैसे पीछे गर्दन की तो देखा कृष्ण जी के रथ के नीचे जमाने भर के हथियार बड़े, तलवार खड़क दंड। उद्धव घबराया, उन्होंने कहा भैया आप तो कह रहे थे भाभी लेने चल रहे ये सब हथियार। कृष्ण कहते हैं बेटा तेरी भाभी ऐसे ही आ जाएगी, युद्ध होगा युद्ध। दाऊ आए, बोले बोल छोटे क्या बात है, बोले दाऊ स्वयंवर की सूचना आई है, विदर्भ देश चलना है, हाँ तो चलो फिर युद्ध की संभावना है। अरे आनंद आ गया छोटे, चल। दाऊ को तो मारपीट में पहले ही रुचि थी, बस तैयार हो गए यदुवंशी चल दिए। और जैसे यदुवंशी पहुंचे हैं वहां, भगवान कृष्ण बार बार चिट्ठी खोल के देख रहे हैं, क्योंकि रुक्मणी जी ने लिखा था यदि आप आने का निर्णय ले लें तो मैं आपको सूचना दे रही हूं, देवी जी के मंदिर में मैं दास दासी और सैनिकाओं के साथ पूजा करने आऊं, और जब मैं मां की पूजा करके बाहर निकलूंगी उस समय मैं 16 श्रृंगार में हूं, मैं अपना घूंघट हटाऊंगी, राज स्त्री का मुंह देखना सैनिकों के लिए वर्जित है, सब नीची गर्दन करेंगे, आपको सूचना दूंगी, बस फिर आपको संकेत मिल जाएगा, आप मंदिर पे आ जाइए। तो भगवान कृष्ण देख रहे चिट्ठी खोल के कि मंदिर कहाँ है। बलराम ने कहा ये बार बार चिट्ठी खोल के क्या पढ़ता है, बोले दाऊ इसी में तो लिखा है कि कहाँ मिलेगी और कहाँ से लेना है। और ये बलराम ने कहा तेरी होने वाली घरवाली बड़ी समझदार है, सारी प्लानिंग करके भेज दी, बिल्कुल ठीक मिल रही है तुझको, ऐसी मिलना थी, सही मिल रही है। दाऊ को इसी में आनंद आ रहा है, भगवान देख रहे हैं, पहुंच गए, क्योंकि भगवान जानते थे कि युद्ध तो होगा। वो जो रुक्मणी का भाई है रुक्मी, वो जो शिशुपाल है, ये अच्छे लोग नहीं है। आज इस संसार में जिस कंधे पे जो चेहरा देखो लगता है नकली है, जिसको देखो वो वैसा है नहीं जैसा होना चाहिए, कोई उदास है कोई परेशान है। भगवान मुस्कुराते हुए आ गए और हमको भी संदेश दे रहे हैं, जीवन में प्रसन्नता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर कंधे पर सौ सौ चेहरे, सब में उदासी है, हाय सब में उदासी है। ओ हर कंधे पर सौ सौ चेहरे, सब में उदासी है, हाय सब में उदासी है। क्यों होठों पर लाख पहरे, बात जरा सी है, हाय बात जरा सी। इंसान से भगवान बना दे, इसका न कोई बयां, जमाने में गुजारा है कहाँ, कहिए जमाने में गुजारा है कहाँ। इंसान से भगवान बना दे, इसका न कोई बयां,
यदुवंशियों के साथ पहुंच गए। इधर बारात की तैयारी हो चुकी, विवाह स्थल पर रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी की विवाह की तैयारी कर रहा, दूल्हा शिशुपाल तैयार बैठा। बारात में कौन कौन आए? दुनिया भर के चोर उचक्के बदमाश, जिला बदर, दुर्योधन, जरासंध, दंत वक्र, भाई जैसा दूल्हा तस बनी बारात, वो तो जैसा दूल्हा वैसे ही सब अपराधी। जैसी सूचना मिली कि कृष्ण आया है, यदुवंशी आए हैं, सब लोगों ने कहा, खासतौर पे दुर्योधन ने कहा, रुक्मी तेरी बहन के विवाह में इनका क्या लेना देना? रुक्मी ने कहा आए होंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, कृष्ण के आने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरासंध बोला मेरी बात सुनो, 17 बार हराऊं मैं उससे, 18वीं बार मैं क्यों जीत गया मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है, मुझसे अच्छा इस कृष्ण को कोई नहीं जानता, मैं बता रहा हूं वो कृष्ण है, बिना किसी कारण कहीं जाता नहीं और बिना लिए कहीं से आता नहीं, कुछ तो करने वाला है ये, मैं कह रहा हूं तुम सावधान हो जाओ। रुक्मी ने कहा अरे क्या कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बहन की मैंने सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, सब काम पे लग गए। दूल्हा शिशुपाल सपने देखते हुए बैठा रहा, बूढ़ा जरासंध पास में आया, उसने शिशुपाल से कहा बेटा तेरी तो शादी होने से रही, तू कुछ भी कर ले, भगवान योजना के अनुसार रथ पे बैठे। हमारी मां रुक्मणी 16 श्रृंगार में प्रवेश करती है, नूपुर पांव में बंधे हैं, रुंझुन रुंझुन करती हुई पायल के साथ चली आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे सौंदर्य साक्षात अवतार लेके आ गया। मंदिर में प्रवेश करती है और जैसी बाहर निकलती हैं, अपना घूंघट हटाती हैं, दास दासी मुखड़ा नीचे करते हैं, माथे की बिंदिया ऐसी चमकी कि दूर से भगवान को संदेश मिला, संकेत मिला, भगवान ने कहा लो आमंत्रण आ गया। भगवान बैठे रथ पे, दौड़ाया रथ, आए हैं निकट मंदिर के, सीढ़ियों पे खड़ी थी माँ, भगवान ने हाथ बढ़ाया, माँ ने हाथ दिया, हाथ से हाथ क्या मिला, पाणी ग्रह संस्कार हो गया, भगवान ने उछाला, बगल में बैठाया, भगवान ने कहा ये जन्म जन्म से पास का स्थान आपके लिए सुरक्षित है, मैं विष्णु हूं तो आप लक्ष्मी हैं, मैं राम हूं तो आप सीता है, मैं कृष्ण हूं तो आप रुक्मणी है, चलिए देवी आपका स्थान सुरक्षित हुआ, बैठिए। ऐड लगाई, घोड़े दौड़ पड़े, अपहरण हो गया, अपहरण हो गया, सूचना मिली, अब तो सब दौड़े, लूट गया, अरे हम लूट गए, तब तक तो रुक्मी ने लगाओ आक्रमण करो। भगवान ने कहा दाऊ ये सेना आ रही, आप संभालना, मैं तो चला। उन्होंने कहा जा छोटे मैं खड़ा हूं। अब तो रथ दौड़ा के भगवान जब दौड़े तो रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी अपने रथ के साथ भगवान के पीछे आ गया। जंगल में रथ रोक लेता है, भगवान ने देखा ओ आ गया, निकालता है तलवार, कूदता है, भगवान भी कूदे, दोनों में युद्ध होता है, ऐसा भीषण युद्ध करते हैं, भगवान नीचे पटक देते हैं रुक्मी को और निकाल के तलवार झुक गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हुए। नव वधु बनी हुई रुक्मणी कूदी, अपने भाई की छाती पे आई, तलवार रोक के कहती ना 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 इसे न मारे, मेरा भाई है, आज पहली बार हमारा मिलन हो रहा है, आप इसे छोड़ दे। भगवान ने एक क्षण देखा रुक्मी को, फिर देखा रुक्मणी जी को, तलवार म्यान में रखी और भगवान कहते हैं मुंह दिखाई में भी क्या मांगा साला, देना पड़ेगा। भगवान ने कहा देना ही पड़ेगा, दिया, चल खड़े हो जा। रुक्मणी जी ने चैन की सांस ली, बच गया मेरा भैया। भगवान ने कहा खड़े हो जा, अपनी तलवार से उसके आधे बाल मुंड दिए, मूछ उतार दी, कपड़े फाड़ दिए, भूत पिशाच बना दिया, बोले अब जा। जैसे ही वो चला तो रुक्मणी जी सोचने लगी इससे तो मारी डाला होता तो ठीक था, क्या कर दिया मेरे भाई को। और रुक्मणी जी को याद आया मैंने सुना था ये बहुत बांके हैं, पर इस कदर बांके हैं ये नहीं सोचा था। भगवान ने भी कहा पहली मुलाकात में इंट्रोडक्शन दो, मुक्ति पाओ, कि देवी जी अपना काम ऐसा ही चलने वाला है। रवानगी हो गई, रुक्मी बलराम जी का खास दोस्त था,
जैसे ही निकला पीछे से बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा एकदम समझ गए इसने किया है। बलराम आए, पत्नी पास में खड़ी और बलराम शुरू। बड़े भाई थे, कृष्ण तो जानते ही थे कि दाऊ कोई लिहाज तो पालेंगे नहीं, किसकी घरवाली बगल में खड़ी है तो थोड़ा लिहाज करो, टूट पड़े तुझे कब अकल आएगी कृष्ण। रुक्मणी जी भी चौंक गए, ऐसा डांटा, अरे तेरा विवाह हो गया है, अब भागवत में पढ़ना। बलराम जी को वैसे तो कम सम्मान दिए पर अभी बहुत अच्छा बोले, कहते हैं जब विवाह हो जाए एक वंश हमसे जुड़ता है, अपनी पत्नी के घर वालों के साथ मान सम्मान से पेश आना चाहिए, क्या डांट पड़ी है, हम सबको ही पढ़ रही है, समझ लेना है ना जो बलराम जी समझा रहे हैं। विवाह के पश्चात अपने जीवन साथी के परिवार से सम्मान से आना चाहिए प्रस्तुत, कोई बपोती नहीं हो गई, खूब डांटा। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। बलराम समझ गए ये घटना देख के रुक्मणी के मन में क्या भाव आया होगा, तुरंत पलटे रुक्मणी देवी से बात करते हैं, क्योंकि बलराम जानते थे ये स्त्री देखेगी तो क्या सोचेगी कि जिस घर में मेरा विवाह हुआ वो ऐसे लोग हैं। बस मुड़ के अपनी होने वाली जो बहू थी, तुरंत कहते हैं बलराम, वैमनस्य परितज्य मनोबुद्धया समाददे, तुरंत कहते हैं देवी हम क्षत्रियों का स्वभाव है आपस में लड़ाई करना, आप अन्यथा न लेना। और रुक्मणी जी ने अन्यथा ले लिया था क्योंकि उनको लगा, और बलराम जानते थे नई नई बहू आई है इसके साथ जो व्यवहार करेंगे गठान बन जाएगी, इसलिए अभी से इसको क्षमा मांग लेना चाहिए। और सचमुच रुक्मणी जी के मन में गठान बन गई, तभी तो लिखा वैमनस्यम परितज्य। वैमनस्यम, रुक्मणी जी के मन में जो मैल आया उसको उन्होंने त्यागा, किसके कहने पे, बलराम के। चलिए अब भगवान के विवाह की ओर चले, जाते जाते जो बलराम जी ने संदेश दिया उससे हम एक बात सीख लें। बलराम जी जानते थे ये नई नई बहू आई है इसके मन में क्या सोचेंगे। हमारे घर में जब कोई नई बहू आए, कोई परिवार आपको अपनी बेटी दे, तो हम लोग देखते हैं जब हमारे घर में नई नई बहू आती है ना, तो जिस घर में वो आती है उस घर के पुराने लोग सब टूट पड़ते हैं उस बहू को समझाने के लिए, जिसको देखो वही ज्ञान बांटता है नई बहू को, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तो दो एक साल बाद जब वो समझाना शुरू करती है फिर समझ में आता है लोगों को। इसलिए आपके घर में जब नई बहू आए थोड़ा धैर्य रखिए, किसी ने अपना सपना भेजा है, किसी ने अपना टुकड़ा भेजा है। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति की आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए हैं। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का, इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।